बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रुद्रम लोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। समय हो चुका है सुपर फाइव का, यानी आज के पांच बड़े खबरों का। दिन भर क्या कुछ खास रहा वो पांच बड़ी खबरें में हम आपके लिए लेकर आते हैं, और आज की पांच बड़ी खबरें क्या कुछ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज के पांच बड़ी खबरों में रुक करें तो पहली बड़ी खबर, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आज उत्तराखंड पहुंचे। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुक करते हैं, युवराज सिंह पर केस दर्ज हो गया है। तीसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी आज के दिन 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। चौथी बड़ी खबर, दलित समाज के एक जीआरडी जवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उनकी जो हालत है वो स्थिर है। कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 2 लाख के भी पार जा चुके हैं आंकड़े। 2,07,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वाले लोगों की संख्या भी 5,800 के पार जा चुकी है। ये आज की पाँच बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली बड़ी खबर, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आज उत्तराखंड के गंगा घाट पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि पिछले दिनों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति को अज्ञात व्यक्ति ने तोड़कर गंगा नदी में फेंक दिया था। इस मामले को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड पहुंचे और उन्होंने यहां पर पुलिस प्रशासन से उनकी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी है उनकी मूर्ति को आज इतना दिन हो गया टूटने के बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही नई मूर्ति है वो बदलवाई गई है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जो प्रशासन है लोगों को ये बातें चेताई कि किसी भी तरीके से करके आप जो लोग हैं वो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की मूर्ति यहाँ पर यथावत दूसरी लगवाएं। दूसरी बड़ी खबर की रुख करते हैं, आपको बता दें कि युवराज सिंह जो कि भारतीय क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो चैट करते हुए उन्होंने एक ऐसी जातिवादी टिप्पणी की जिसके चलते आपको बता दें कि पूरे देश भर में इस वक्त बवाल मचा हुआ। लगातार सोशल मीडिया पर तो ये ट्रेंड कर रहा है कि युवराज सिंह माफ़ी मांगो, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने आपको बता दें कि युवराज सिंह के पर केस दर्ज करवाया। हरियाणा के हिसार के हांसी जो थाना क्षेत्र कहता है वहाँ पर एक वकील अनुसूचित जाति जनजाति या बहुजन समाज से आने वाले एक वकील रजत कल्सन ने आपको बता दें कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया। और आपको बता दें कि ये पूरा वीडियो जो है क्या कुछ घटनाक्रम है, वकील जी ने क्या कुछ कहा, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो तीसरी बड़ी खबर की रुख करते हैं, आपको बता दें कि आज ऐतिहासिक दिन है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने एक कीर्तिमान रचते हुए पहली बार बहुजन समाज के नाम से बनी हुई पार्टी के दम पर दलित समाज की नई और आपको बता दें कि कम उम्र की मुख्यमंत्री बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ था। 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान उस समय के राज्यपाल मोतीलाल वोरा के नेतृत्व में उन्होंने सरकार की शपथ ली थी और राज्यपाल के द्वारा उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई थी। तो यानी कि आज का दिन बहुजन समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि उन्होंने जो सपना मानेवर साहब काशीराम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा था उस सपने को बहन कुमारी मायावती जी ने 3 जून 1995 को पूरा किया था। चौथी बड़ी खबर के रुख करते हैं, आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद से खबर है, जहां पर एक जीआरडी जवान जो कि विवेकानंद नगर जो थाना क्षेत्र के है उसके अंदर तैनात है, जिसका नाम संदीप नेनवाने है, उन्होंने आपको बता दें कि जातिवादी जो टिप्पणियां पुलिस थाने में हुई उनसे आहत होकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसका तमाम जो वीडियो है उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला। हालांकि आपको बता दें कि सही समय पर अस्पताल पहुंचाने के कारण संदीप नेनवाने की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम का पूरा जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर पहले से भी अपलोड है, जहां पर आप जाके संदीप नेनवाने की भी बातें सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था मरने से सुसाइड करने से पहले, वो बातें भी आप सुन पाएंगे। पांचवी बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस की है। कोरोना वायरस के चलते आपको बता दें कि पूरे देश भर के अंदर आपको बता दें कि आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कुल मिलाकर 2 लाख के भी पार है जो आंकड़े पहुंच चुके हैं अब तक। कुल मिलाकर अगर हम बात करें कोरोना वायरस की तो देश के अंदर कोरोना वायरस की संख्या 2,07,615 हो चुकी है, जबकि कोरोना वायरस से भारत में मरने वाले लोगों की संख्या 5,815 हो चुकी है। आपको बता दें कि करीब 1 लाख एक्टिव केस अभी भी बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम देखने की कोशिश करें तो कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार जारी है। कल मिलेंगे नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया।